फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है भाई सभी के। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। आपका एक और नए व्लॉग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो भाई अभी का सीन ये है, हम पहुँचे हैं बड़ा बाग, ठीक है। तो भाई जैसलमेर में हमने आपको फोर्ट दिखा दिया है, पटो की हवेली दिखा दी है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे पहुँचे बड़ा बाग। आ जाओ इसका अंदर चल के सीन बताता हूँ इसका क्या सीन है। तो आप ये देख रहे हो भाई छतरी है ना, जो ये छतरियों का आकार दिया हुआ है। तो ये पत्थर है, वैसे तो पत्थर को लकड़ी की तरह काट काट कर बनाया गया। लकड़ी को तो आपको पता है भाई बहुत आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन ये पत्थर को काटना कितना मुश्किल है। तो भाई पुराने जमाने में आप देख सकते हो कैसे कैसे लोग कलाकृतियाँ करते थे। तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया भाई, डिजाइन देखो आप एकदम मस्त। तो ये देख रहे हो भाई पहाड़ है, इसके ऊपर छतरियाँ बनी हुई है। आज छतरियों को देखते हैं भाई आगे क्या सीन है इसका। आ जाओ, पहाड़ के ऊपर बनी हुई है एकदम। तो दोस्तों ये जो यहाँ के पत्थर है ना, इनकी खासियत यही है, तो ये एक सोने के जैसे बने हुए भाई, चमकते हैं रात को, अभी इस टाइम चमक रहे हैं हल्का हल्का, तभी इसको गोल्डन सिटी बोला जाता है जैसलमेर को। तो सोने के प्रकार के ये पत्थर है भाई, सोने जैसे चमकते हैं। पुराने जमाने भगवान वगैरह होते थे या अपने राजे महाराजों के देवी देवता होते थे। हाँ। तो भाई जो भी एक्सपायर हो जाते या मर जाते थे। हाँ। तो उनकी समाधि यहाँ पे बनाई जाती थी। अच्छा अच्छा। तो उन समाधि के रूप में इन छतरियों को बनाया गया है। हाँ। तो यहाँ पे सारी सबकी समाधि है। अच्छा, बहुत बढ़िया है भाई। हाँ। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हो आप, ये भाई हाबुर पत्थर है। तो इसमें हम रात में पानी डाल देते हैं और सुबह पीते हैं, डायबिटीज वगैरह शुगर वगैरह ये सारी बीमारियाँ ठीक होती है। तो भाई बहुत ही चमकदारी वो ये चमकदार पत्थर है, बहुत बढ़िया जादूगर जादुई पत्थर है ये, बहुत अच्छा है। और ये जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक हाबुर गांव है, तो वहाँ निकलता है, तो वहाँ तो मिलता है ये, तो जैसलमेर में भी ले सकते हो आप, बहुत अच्छा पत्थर है भाई। अच्छा, ठीक है। ये भाई पत्थर के बहुत से प्रकार है, दिखाता हूँ आपको। आ जाओ ये देखो, और भी है काफी रखे हुए हैं। अच्छा, सारे हाबुर पत्थर है। अच्छा, अगर इसमें हम रात को दूध रखते हैं ना, तो सुबह तक दही बन के निकलता है भाई। दही दही से हम लस्सी बनाओ, घी निकालो, कुछ करो भाई, बहुत बढ़िया पत्थर है भाई, जादुई पत्थर है। तो लेके जाना पड़ेगा मेरे को भी एक, है ना। अच्छा अच्छा, चलो भैया आगे का सीन दिखाते हैं आपको। आ जाओ, चलो यहाँ पे बहुत हरियाली हो रखी है, यहाँ पे घास वास उगी हुई है, बहुत से पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भाई पुराने जमाने में ना, 870 साल पहले, लगभग 870 साल पहले, जैसलमेर के समुद्र सा होता था भाई, एक प्रकार से लगा लो पानी पानी था, झील होती थी, जैसे आपने घड़ी से लेक देखा है ना, वो वैसे पानी होता था यहाँ पे भी। तो भाई सूखा पड़ने के कारण यहाँ पे बंजर जमीन हो गई एकदम से। अब तो फिर भी दोबारा हरियाली आ गई। मैं यहाँ पे जब 2008-2009 में दोबारा एक बार फिर आया था, तो भाई फुल सूखा हुआ था ये, बहुत सूखा पड़ा था। लेकिन अब तो भाई ठीक हो गया, यहाँ पे हरियाली वगैरह हो गई, लोग खेती भी करते हैं। और तो हरियाणा से भाई यहाँ पे जमीन लेते हैं लोग, जमीन लेके यहाँ पे खेती स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं ना भाई राजस्थान में किले ले रखे हैं, 100 किले ले रखे हैं, तो नू ले भाई, क्योंकि जमीन यहाँ पे बहुत सस्ती है, जमीन सस्ती है, तो भाई खेती भी अपना ठीक ठाक ही है, ये लगा लो, है तो बंजर जमीन, लेके भी हरी घास वगैरह खेती वगैरह होने लगी है, ठीक है। तो भाई बहुत ही अच्छा सीन है। तो वहाँ पे भाई क्या है, वो क्या पवन चक्की है भाई। अच्छा, पवन चक्की, उससे क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इससे रिड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बिजली बनती है इससे, बिजली बनती है, वो पवन चक्की है सारी की सारी। चलो आगे आपको सीन दिखाते हैं कुछ और अलग डिफरेंट। चलो, तो भाई एक तो भाई सबसे अच्छा नजारा यहाँ का ये है, देखो सामने सनसेट व्यू देखो यार, सनसेट डूब रहा है बिल्कुल, बहुत मस्त दिख रहा है भाई, नजारा एकदम मस्त आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे घूमने आया भाई, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा भाई, सीधी बात है, बहुत बढ़िया नजारा होगा सनसेट। देखो भाई धीरे धीरे जा रहा है, नीचे जा रहा है धीरे धीरे। ये आपको कहीं नहीं दिखने को मिलेगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा भाई, ये सिर्फ जैसलमेर में दिखने को मिल सकता है ऐसा ऐसा पॉइंट। अच्छा, व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया भाई। तो देखो यहाँ पे सारी छतरियाँ, यहाँ पे रिपेयरिंग हो रही है, यहाँ पे ये गिर गया था पीछे से। अच्छा हाँ, कौन सा वो? हाँ वो वाला, वो वाला गिर गया, उसकी रिपेयरिंग की जा रही है वापस। हाँ, तो भाई वहाँ पे देखो जूम करके दिखाते हैं थोड़ा। हाँ, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, वहाँ पे अपनी गाड़ी भी खड़ी है, वहाँ पे पार्किंग है भाई यहाँ की। और यहाँ की भी भाई टिकट लगती है, टिकट टिकट कैसी, वैसे नॉर्मल बंदा आता है ना कोई, इंडिया वालों के लिए भाई 100 रुपए है, फॉरनर के लिए 150 रुपए है, और वीडियोग्राफी के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं।
तो यार शादियां वगैरह होती हैं जिन लोगों की, भाई यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और प्री वेडिंग शूट करते हैं, भाई ऐसा नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया प्री वेडिंग शूट होता है भाई यहाँ पे। अभी अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था लेकिन हम लेट पहुँचे, तो भाई बहुत अच्छा शूट किया उन्होंने। तो चलो भाई आगे दिखाता हूँ आपको कुछ ना कुछ मैं अलग से सीन। तो यार ये जो बड़ा बाग है ना, तो यहाँ का खासियत पता है क्या है, फोर्ट किला है ना, किले से देखोगे आप तो भाई बहुत ही पास में दिखता है, ये बहुत ही पास में स्पष्ट दिखता है, बिल्कुल क्लियर फुल। और ये जैसलमेर से कम 6 किलोमीटर दूर है और मैं काफी घूम के आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सामने देखोगे यहाँ पे भाई आर्मी का एरिया, आर्मी के अंडर में आता है सारा सब ये, ठीक है। तो यहाँ पे ना भाई पहले जमाने में भाई बाग होता था, फल फ्रूटों का बाग होता था। और यहाँ की खासियत पता है ये है, जो लेडीज वगैरह होती है ना, पुराने जमाने लेडीज थी तो यहाँ से भाई पानी लेने के लिए दूर दराज तक जाती थी भाई। मटके होते हैं वो, बड़े बड़े मटके होते हैं वो, तो उठा लेती है, आपको दिखाया भी होगा पटोगे बिल्ली में, तो वो लेके जाती थी भाई दूर दराज से कुओं में। तो भाई बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ का, तो देख सकते हो आप सनसेट हो चुका है यहाँ पे और सामने पहुँच किया है। तो यहाँ पे भाई फ्रेंड सर्कल भी आए हुए हैं, काफी मस्ती वगैरह कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। भाई ये देखो ये जो मंदिर बने हुए हैं इनके ऊपर ये लगे हुए हैं, इनको कंगूरे बोलते हैं भाई इनकी भाषा में, तो भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये तो यार यहाँ पे टूट चुका है, इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे टूटा है उसको भी रिपेयर करेंगे। तो भाई बहुत ही अच्छा व्यू है यार यहाँ का, अगर घूमने आओ ना तो यहाँ पे जरूर आना, बहुत मन लगता है यहाँ पे घूमने में। है तो ये वो अपने हरियाणा में बोलते शमशान घाट है, तो भाई यहाँ पे मुर्दे दफन कर रखे हैं, देवी देवता होते जो भी है, ठीक है। ये अपने भाई साहब है पुनीत राजानी, ये बेंगलोर से वैसे लखनऊ से बेंगलोर में रह रहे हो 18 साल से। तो भाई इन्होंने एक महीने में कितने गांव की कितने? मैंने I have completed 32 cities in past one month. I started with Lucknow. I completed entire Uttar Pradesh. After that I completed entire Garhwal and Kumayu in Uttarakhand. And फिर उसके बाद ऋषिकेश से मैं सीधे जैसलमेर आया हूँ, जैसलमेर से मैं छत्तरगढ़ गाँव भी रहा हूँ। तो मैंने 6000 किलोमीटर कार चला ली है, कार में पूरा मेरा सामान रखा हुआ है, सो आई एम ट्रैवलिंग विद माय एंटायर स्टफ। और अब सिंगल ही हो? हाँ फिलहाल तो सिंगल हूँ। अच्छा नहीं अभी साथ में कोई है या? फिलहाल सिंगल हूँ। अच्छा सिंगल, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा। देख लो भाई पूरी हिम्मत है भाई बंदे की, इतनी दूर तक अकेला ट्रैवल कर रहा है, बहुत बढ़िया। हरियाणा आए हो भाई कभी? हरियाणा क्रॉस करा था अभी, क्रॉस करा है फरीदाबाद, और ये क्रॉस करा था फरीदाबाद में रुका था डेढ़ महीने। अच्छा अच्छा पहले ठीक। और हाँ फरीदाबाद क्रॉस करते हुए यहाँ पर आया हूँ। हमारे रोहित भाई है वो भी हरियाणा से ही है, हरियाणा से जींद डिस्ट्रिक्ट का मारी, जींद हमने क्रॉस करी थी हम। अच्छा, जब जैसलमेर आ रहे थे किधर से ऋषिकेश, जींद क्रॉस करा था शायद साइड साइड। अच्छा अच्छा बचा, मैंने अभी ओली और कोसानी नहीं, अगर आप चंडीगढ़ साइड से आए हो ना वहाँ से जैसलमेर की तरफ, तो भाई हमारे शहर से होके गुजरे हो गए। नहीं नहीं थोड़ा सा हम लोग डाइवर्टेड थे, चंडीगढ़ हमसे 40-50 किलोमीटर दूर था, चंडीगढ़ हमारा हमसे दूर। ओके 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 ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर वीडियो। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो भाई अभी यहाँ से निकल चुके हैं हम बड़ा बाग से, तो अभी जाएंगे हम गढ़ीसर लेक में, लाइट शो होता है अभी रात को, तो वो दिखाएंगे आपको, बहुत मजा आने वाला भाई, लाइट शो में सब कुछ क्लियर दिखाएंगे, एकदम मजा आएगा। चलो चलते हैं फिर आगे, चले चलो चल चलते हैं। तो भाई अभी हम बड़ा बाग से यहाँ पे गढ़ीसर आए हैं, गढ़ीसर से ये लाइट शो हो रहा है, लाइट शो देखने के लिए तो आ जाओ, आपको लाइट शो दिखाते हैं, बहुत ही मस्त चल रहा है सामने देखो भाई। तो भाई लाइट शो स्टार्ट हो गया है यहाँ का, तो बहुत ही गढ़ीसर लेक में भाई ये लाइट शो, बहुत ही अच्छा नज़ारा आने वाला है, तो देखते रहना इसको पूरा। देखो भाई मूवी स्टार्ट हो गई है, अरे वाह वो गेट खोले, अरे वाह
सोलह श्रृंगार से सज अपने बाबुल और पति के पराक्रम का यशगान करती, अपने घाघरे और गोटे के सौंदर्य के अभिमान में नृत्य करती, हजारों वीरांगनाओं ने धधकती अग्नि में अपना जीवन उत्सर्ग कर अग्नि को भी पवित्र कर दिया। घड़ी सर का लाइट शो तो बहुत ही अच्छा था भाई। चलो ये घड़ी सर लेक का एंजॉय लेते हुए सारे, चलो ये भी यूट्यूब ब्लॉग में आ जाएगा आपके। लाइट शो तो बहुत ही अच्छा था भाई, कैमरे में तो पता नहीं कैसे कैप्चर हुआ होगा, लेकिन भाई अपनी आईज से लाइव देखते हैं तो भाई बहुत मज़ा आता है। बहुत ही अच्छा सीन था भाई, बहुत मज़ा आया। अगर कभी आओ जैसलमेर तो भाई यहाँ विजिट जरूर करना। ये शाम के 7 बजे स्टार्ट होता है, आधे घंटे चलता है कम से कम, और ये 1 तारीख से अभी स्टार्ट हुआ, पहले नहीं था ये, 1 तारीख 2022 से अभी 31st को स्टार्ट हुआ ये। बहुत ही मज़ा आया भाई, ठीक है। तो भाई इस व्लॉग को अभी यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ भाई आपको बढ़िया लगा होगा। तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम।